त्रिभुज के बारे में पढ़ना है। त्रिभुज मतलब त्रि मतलब तीन, भुजा मतलब भुज मतलब भुजा मतलब तीन भुजा। तीन भुजा से बनी हुई बंद्र आकृति मतलब ये वाली ये वाली ये वाली ये वाली, ठीक है। उसकी जो भुजा है वो कम बड़ हो सकती है, बट वो तीन भुजा से मिलकर बनी होनी चाहिए और वो बंद होनी चाहिए, तभी भाई क्या है, त्रिभुज है। अब त्रिभुज कितने टाइप्स के होते हैं? तीन टाइप्स के होते हैं, मुख्य रूप से तीन टाइप्स के होते हैं। पहला ये होता है सम बाहु, ठीक है, ये क्या है, समबाहु त्रिभुज। अब समबाहु त्रिभुज को हम कैसे फाइंड करेंगे? इसमें क्या लिखा है, सम मतलब समान, बाहु मतलब भुजा, जिसकी सभी भुजा क्या हो, समान हो, मतलब ये भी और ये भी, ठीक है, मतलब ये ए है तो ये भी ए होगी और ये भी ए होगी, ठीक है। अब इनके कोण है जो, ये कोण भी क्या होंगे, समान होंगे। टोटल कोणों का योग कितना होता है, 180, तो प्रत्येक कितने होंगे, 60 60 के होंगे, तो ये समबाहु की पहचान हो गई। इसका फॉर्मूला क्या होगा, जो क्षेत्रफल निकालने का होता है, कर्णी 3/4 ए स्क्वायर, ये क्या हो गया, क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला, ठीक है। अब इसके लिए हम कैसे फाइंड करेंगे, ये क्या है हमारा शम्दुई, ठीक है, शम्दुई बाहु, ठीक है। तो इसके लिए क्या है, सम मतलब समान, दुई मतलब दो, बाहु मतलब भुजा, जिसकी दो समान भुजा हो, मतलब ये और ये क्या है, समान भुजा है, ठीक है, ये नहीं है लेकिन, ये और दो समान भुजा है, और जिसके क्या है, दो कोण समान हो, है ना, इस बात को याद रखना। अब विषम बाहु में क्या है, विषम बाहु में जिसकी तीनों भुजा क्या हो, विषम हो, भिन्न हो, ठीक है, अलग हो, मतलब ये ए है तो ये बी होगी और ये सी होगी, ठीक है। इसमें क्या, ये ए है तो ये भी ए होगी लेकिन ये क्या होगी, बी होगी, ठीक है, मतलब यदि ये पाँच है तो ये भी पाँच होगी लेकिन ये कुछ और होगी, लेकिन ये पाँच है तो ये भी पाँच, ये भी पाँच, यदि ये पाँच है तो ये कुछ और होगी, ये कुछ और होगी। अब हमें समझना क्या है, समकोण, इनका भी क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला है, इनका भी क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला है, वैसे सभी त्रिभुजों में यदि अप्लाई होगा, यदि ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करें, लेकिन क्या है कि जब हमारे पास समबाहु त्रिभुज होता है, लेकिन इसकी ये क्या है, ऊंचाई है, तो ऊंचाई तो हमें दी नहीं, तो हम ये फॉर्मूला लगा ही नहीं सकते, तो हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। यदि हमारे पास कुछ इस टाइप का है, ठीक है, कि हमें इसकी ऊंचाई दी है और ये क्या दिया है, चौड़ाई, ठीक है, तो हम इससे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं ये वाला फॉर्मूला लगा के, लेकिन उसमें क्या, ऊंचाई कंपलसरी है, ठीक है, मैंडेटरी है, ठीक है। अब समद्विबाहु हो गया, विषम बाहु के समकोण को समझ लें, जिसका एक कोण क्या हो, 90 डिग्री का हो, ठीक है, ये कुछ भी हो सकते हैं ना, मतलब ए बीच का क्या होना चाहिए, 90 का होना चाहिए, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, लंब, ठीक है, और इसको क्या बोलते, अब बचा खुचा, हाँ, इनका क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, इसका क्षेत्रफल तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा के निकाल सकते, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला निकालने के लिए क्या होता है, ये है समद्विबाहु का, ठीक है, इसके लिए क्या है, एस एस माइनस ए और एस माइनस बी, ठीक है, इसका होल ट्वाइस, है ना। अब क्या है कि इसको हम एस को कैसे निकालेंगे, एस बराबर ए प्लस टू बी अपॉन में टू कर देंगे, ठीक है। अब उसी प्रकार विषम बाहु के लिए हम कैसे यूज करेंगे, विषम बाहु के लिए क्या है, एस विषम बाहु के लिए एस एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी, ठीक है। अब ये एस कहाँ से निकालेंगे, तीनों भुजाओं का एक, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू, इससे हम एस निकाल लेंगे, ठीक है, और समद्विबाहु का भी हमने एस निकाला था। अब इसको हम किस प्रकार से और कर सकते हैं, देखो ये वाला ए है ना जो, और ये वाला बी और ये वाला सी, ये यहाँ से निकालना है, ठीक है, लेकिन समद्विबाहु में आपको कैसे निकालना है, एस ए प्लस टू बी अपॉन टू, तो ये बी है ना, ये बी, ये नहीं समझना कि ये वाला बी है, ठीक है, इसकी मतलब दो दो मान समान होंगी, दो भुजाएं समान होंगी, तो उसी का मान रखना है यहाँ पर, ठीक है, और ए जो क्या है अलग है, उसको यहाँ रखना है, ठीक है। इसी प्रकार इसका जो जो क्षेत्रफल निकाल रहा था, एस एस माइनस ए और एस एस माइनस बी का होल ट्वाइस, ठीक है, तो इसका बी का मान ये क्या है, डबल, मतलब ये दो समान रेखाएं, ठीक है,
तो इसका मान यदि 5 होता तो हम यहाँ 5 रखते, ठीक है, क्योंकि ये दो भुजाएं समान हैं। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, ख़राब लगा हो तो डिसलाइक करना। थैंक यू।